रोटी का निवाला तोड़कर सालन से तो खाया ही जाता है, लेकिन आज जो डिश मैं ट्राई करने जा रहा हूँ उसमें रोटी को सालन में मिलाकर खाया जाता है। इसे यहाँ के लोग पेंदा रोटी भी कहते हैं और नमकीन रोज भी। तो चलें हम भी ट्राई करते हैं। भाई हाथ बात आपने पूरे गंदे कर लिए यार, क्या इसी तरह खाना होता है ये जो खाना है ना, इसका असल तरीका यही है। असल तरीका यही है, मतलब ऐसे हाथ गंदे करो तो फिर मजा है ऐसे रोटियां तोड़ के। ये शोरबा भाई, इसमें 8-10 रोटियां है भाई इसके टुकड़े बनाए में। ये देखिए इसकी, इसी तरह से बनता है भाई ये। इस पे ये डाल दो भुने का गोश्त मांग रहे हैं। ओह बकरे का गोश्त भी आ गया भाई। और ये क्या साथ में मसाला? ये मसाला है, मसाला मसाला भी डाल दिया। काला मिर्ची, काली मिर्ची है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन दाऊ चौरंगी और यहाँ पर कैफ़े नवीद पर बहुत ही यूनिक किस्म की एक डिश मिलती है जिसे कहते हैं पेंदा रोटी नमकीन रोज। दो किस्म के नाम है और लोगों ने काफ़ी अलग अलग नाम भी रखे हुए हैं जो रोटी में भिगोकर इसको खाते हैं। तो यार ये कैसा होता है, मज़े का होता है फिर? ये बड़ा ज़बरदस्त होता है, नमकीन रोज का है। है भाई मज़े का, बड़ा ज़बरदस्त हम लोग बना रहे हैं, सेलिब्रेट भी मिलता है। ये यहाँ हमारे सारे जो है ना ये पठान भाई हैं माशाल्लाह, और ये बहुत शौक से खाते हैं तो हम लोग भी ये ट्राई करते हैं और फिर आपको बताते हैं। मुर्गी पीस पड़ा भाई है। मुर्गी पीस पड़े, जरा उठा के दिखाओ। ये मुर्गी पीस है। साथ में तेल वगैरह, तेल है घी में पकाते हैं। और ये क्या है साथ में? ये भुना है। ये उठाओ जरा, उठा के दिखाओ। भुने बड़े का गोश्त है, भुना हुआ बड़े का गोश्त है ये जी। जबरदस्त भाई। अच्छा चिकन भी होता है और बीफ भी, दोनों में होता है? दोनों में होता है। तो ये बड़े के गोश्त का शोरबा है ये? नहीं नहीं, बकरे का है ये। बकरे का? बकरे का जी। वाह, शोबत बोलते हैं, कोई शोबत बोलते हैं, कोई क्या कहते हैं। गर्मा गर्मा गर्म जी, जबरदस्त भाई। तो ये देखिए भाई, ये रोटी लेकर आ गए। अच्छा कितनी रोटी है ये? तकरीबन 8 रोटी है। ये सारे टुकड़े कर दिए हैं इसके, तो अब जरा बनाओ बनाओ कैसे बनाते हैं। लेके आओ भाई 8 रोटी गए भाई। एक मिनट अभी नहीं डालने, अब हम जरा देखेंगे यहाँ से। ये भाई मेरे सामने ले, पहले ये डालेंगे इसमें। डालो डालो शोरबा डालो। ये शोरबा भाई, इसमें 8-10 रोटियां हैं भाई इसके टुकड़े बनाए में। ये देखिए इसकी, इसी तरह से बनता है भाई ये जी। इससे ये बनता है, यूनिक डिश मिल रही है भाई। आप खाली देखते रहो कि क्या क्या डालते हैं इसको हम लोग। आप है ना भाई, फिर मजे की है ना? जी जी जी, आएगा खा के? क्यों नहीं आएगा। वाह भाई वाह, फुल मतलब सारी रोटी सही से भिगो दी है तुमने। वाह भाई वाह। अच्छा अब इसमें क्या डालोगे? अभी इस पे ये डाल दो भुने का गोश्त मांग रहे। ओ बकरे का गोश्त भी आ गया भाई, ऊपर जबरदस्त। अच्छा फिर से दोबारा से डाल लो शोरबा, फिर से तही डालते हूँ। अच्छा दोबारा से डाला है। अच्छा ये क्या है, ये क्या है इसमें? बकरे का गोश्त है। ये बकरे का गोश्त है, डायरेक्ट पीस डालोगे ये जी? ओह अच्छा, मतलब इसको तोड़ के रोटी के साथ खाएंगे जी? वाह, तो अब ये तैयार हो गया है? ये तैयार हो गया, जबरदस्त भाई। अब इस पे हम धनिया मसाला डालेंगे। अब धनिया मसाला डालोगे अभी इसको? अब उधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ जी। देखो ठीक है तुम डालो डाल डालो। ये भाई देखें, ये धनिया मसाला ऐड हो गया। वाह वाह वाह। और ये क्या साथ में? ये मसाला है, मसाला भी डाल दिया। काला मिर्ची, काली मिर्ची है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल? वालेकुम सलाम, खैरियत? ठीक ठाक, मजे में अल्हम्दुलिल्लाह। खान भाई माशाल्लाह बड़ा मशहूर है यार आपका ये नमकीन रोज यहाँ पर, तो कब से शुरू किया है ये, कितना टाइम हो गया? ये तकरीबन 1985 से है। 1985 से चल रहा है माशाल्लाह जी, जी। तो ये जो आइटम जो बहुत ज्यादा चलता है, ये कब से चला रहे हो ये? ये सब तकरीबन 12-13 साल हो गया। अच्छा 12-13 साल। चिकन पीस से इसको शोरबा कहते हैं, सोबत कहते हैं इसमें। अच्छा वैसे ये जो लोग आते हैं जो ज़्यादातर खाते हैं उस क्या बोलते हैं इसको? इसको सोबत शोरबा। अच्छा तोबत शोरबा। हाँ यखनी, यखनी नमकीन रोज चिकन पीस। सही, मतलब दो तीन अलग अलग किस्म के अलग अलग आइटम है, हर जबान में अलग अलग नाम है इसका। सही है सही है। तो जी, खान जी। भाई ये बताएं कि जो दूर से आने वाले लोग हैं उनको थोड़ी सी लोकेशन समझा दें, यहाँ की किस जगह पर है? कैफे नवीद होटल दाऊद चौरंगी रजी मार्केट। ठीक है, तो ये यहाँ पर आसानी से बस पहुँच जाए। और टाइमिंग क्या होती है, किस वक्त से किस? ये तकरीबन 25 घंटे मौजूद है। 25 घंटे? अच्छा, जो हमने तो 24 सुने थे, 25 होते हैं? नहीं अभी 25 घंटे सर। आप 25 घंटे होते हो, मतलब 25 घंटे आओ आपको ये मिलेगा शोरबा यहाँ पे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह रोटी के साथ इंशाल्लाह।
तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये डिश जो है मेरे सामने आ चुकी है। और भाई देखें ज़रा, सीन्स चेक करें भाई, माशाल्लाह। अच्छा, इस तरह की मैंने एक डिश जो है ये भी रिसेंटली जो है हमने लियारी में भी खाई थी, इसी तरह से। वो शायद कुछ छोले टाइप थे, लेकिन इसमें ये है कि देखें भाई, रोटी जो है भिगोई हुई है सालन में, जिसमें बकरे का जो है वो सालन भी साथ में, भाई ये चिकन का पीस हमने जो चिकन वाला डलवाया भाई, इसमें आपको चिकन भी मिलता है और बीफ भी मिलता है, दोनों मिल जाते हैं आपको। तो शोरबा डला हुआ होता है और फुल भिगोई हुई रोटी। तो ज़रा ऐसे मेरे साथ ही खाते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाह भाई। अच्छा, ये वाली रोटी जो होती है ये तो आप वैसे जो चाय के साथ खाते हो सुबह तल के, उसमें वैसे भी बड़ा मज़ा आता है, लेकिन ये सालन के साथ भी बड़ा मज़ा कर रही है। मतलब वैसे अगर सादा उठा के खाओ ना, ये भीगता हुआ, ये देखिए शोरबा टपक रहा है, अच्छी मज़े की लग रही है। जैसे पाए के शोरबे में डुबा हुआ ना, तो सादी भी मज़े की लग रही है। अब थोड़ा सा चिकन का पीस है, तो ये ज़रा तोड़ लेते हैं भाई। ये देखिए चिकन भी फुल भरपूर और चिकन का पीस, और साथ में ये निवाला, ये थोड़ा सा और इसको भिगोते हैं जैसे तरीके से, जैसे नीचे लोग खा रहे थे ऐसा फुल भिगो के। बिल्कुल नमकीन, जैसे नाम है इसका नमकीन रोस्ट, वैसे ही बिल्कुल नमकीन हो रहा है, लेकिन है मज़े का। अच्छा, पर्सनली मैं बताऊँ, मुझे रोटी के साथ वैसे खाने में बड़ा मज़ा आ रहा था, चिकन के साथ इतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे सादी रोटी खाने में आया। तो भाई ये तरीके कार हैं इनका खाने का, दूर दूर से लोग आते हैं खाने, कहते हैं भाई सोराब बोर्ड से भी लोग आते हैं, तो माशाल्लाह बहुत दूर है ये जगह वहाँ से, लेकिन यहाँ भी आकर ये खाते हैं। और इस होटल की खासियत ये है कि ये 24 घंटे नहीं 25 घंटे खुला रहता है, मतलब कभी भी आ जाओ आपको ये मिल जाएगा। तंदूर भी इनका पीछे ही है। तो लोकेशन जो है आपको गूगल लोकेशन भी मिल जाएगी, और आपसे किसी और जगह, किसी अच्छी जगह पर फिर से मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।